हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सॉन्ग सीखने वाले हैं वो शमी कपूर साहब की जो फिल्म थी प्रिंस, जिसमें गाना था बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ये तो जो लाइन्स हैं हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही इजी है। जो भी बिगनर्स हैं वो भी इसे बजा सकते हैं, उसे ट्राई करके। मेरी उंगलियों को भी आप फॉलो करके बजा सकते हैं, और मैं जो आपको नोट्स दूंगा उससे भी आप इस पर सीख सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, दोस्तों मैं आपको इसके नोट्स देता हूँ। जो फर्स्ट लाइन है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, बहुत इजी है दोस्तों। इसकी जो पहले लाइन्स हैं आप देखिए, मेरी उंगलियों को फॉलो कर सकते हैं। मैं बटन स्कॉर्च भी आपको बताता हूँ। ए शार्प, डी शार्प, सी शार्प, यही तीन आपको बार बार दबाना है कॉर्ड्स। देखिए दोस्तों, हुए, ठीक है, ए शार्प, डी शार्प, सी शार्प, ए शार्प, डी शार्प, सी शार्प। हुए, देखिए वापस देखिए दोस्तों, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बदन पे सितारे लपेटे हुए। अभी नेक्स्ट लाइन भी सेम ही दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ए शार्प, डी शार्प, सी शार्प, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, डी शार्प, फिर एफ दोस्तों, एफ शार्प। यहां पे जी शार्प दो बार, फिर एफ शार्प। देखिए स्लो स्लो दबाता हूं, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, नेक्स्ट लाइन जो है। किधर जा रही हो, दो बार जी शार्प, एफ शार्प। देखिए अब मैं ये पूरी लाइन बजा के दिखाता हूं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, और जाने तमन्ना किधर जा रही हो। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तक सीख गए होंगे। आगे लाइन है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, ये कैसे बजेगा दोस्तों देखिए। देखिए दोस्तों, मैं स्लो स्लो बजा के देखता हूँ। डी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, फिर एफ शार्प, फिर डी शार्प, फिर से डी शार्प दोस्तों।
उसके बाद डी शार्प, एफ शार्प, फिर डी शार्प, फिर सी शार्प, फिर दो बार डी शार्प। देखिए मैं आपको फिर से बजा के दिखाता हूँ। जरा पास आओ, जरा पास आओ। नेक्स्ट लाइन, तो चैन आ जाए। देखिए कैसे बजाया, डी शार्प, एफ शार्प, डी शार्प, सी शार्प, दो बार डी शार्प। देखिए कैसे बजेगा दोस्तों, तो चैन आ जाए। देखिए दोस्तों एक बार मैं दोबारा बजा के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आप उंगलियों को फॉलो करके और नोट्स भी देख के आप इजीली सीख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।